बच्चों आइए आज हम क्लास 3 का पार्ट 1 हिंदी रिवीजन करें। पहला पार्ट है, पार्ट का नाम है चले गांव की ओर। इसको फिर से रिवाइज करते हैं, कभी का नाम पता नहीं है। पार्ट का जो भी पार्ट है उसका ये अर्थ है। इस कविता में गांव की सुबह का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। कभी कहता है कि हम सभी गांव की ओर चले, जहां सुबह हंसती हुई आती है। सुबह होने पर पेड़ों की डालों पर चिड़ियां चहचहाने लगती है। तितलियां उड़ती हुई अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर फूलों के ऊपर उड़ने लगती है। गांव में जगह जगह पर अपने पंख फैलाकर मोर नाचने लगते हैं। हम सभी गांव की ओर चले, जहां सुबह हंसती हुई आती है। सुबह होने पर गांव के किसान अपने हल और बैलों को लेकर अपने खेतों में काम करने के लिए चले। ग्वाले अपने गायों को लेकर घर घर की ओर दूध देने के लिए चल पड़े। गाय अपने बछड़ों को चाटते हुए उन ग्वालों के साथ चल पड़ी। हम सभी उस गांव की ओर चले, जहां सुबह हंसती हुई आती है। खेतों में खिले हुए फल और फूल खेतों में हरियाली छाई हुई दिखाती है। किसानों की मेहनत की फसलें घर घर में खुशहाली फैला दी है। इस खुशी में कहीं बच्चे बाजे बजाते हैं और कहीं त्योहार मनाए जा रहे हैं। इसलिए हम सभी उन गांव की ओर चले, जहां सुबह हंसती हुई आती है। ये कुछ शब्दार्थ है जिनका आप रिवाइज करें और याद करें इन्हें। जैसे भोर का होगा सुबह और प्रातः, ठौर ठौर का होगा जगह जगह, बाड़ी छोटा खेत, खेतों के रखवाले किसान। आइए पार्ट 3 से हम कुछ रिविजन करें। ये कुछ है जिन्हें आप बनाएं। पहला है, सही उत्तर चुनकर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, डाल डाल पर खुदक खुदक कर कौन गा रही है। पहला में ऑप्शन है तितलियां, चिड़ियां और मोर। दूसरा है, भोर हंसता हुआ आता है। ऑप्शन है गांव में, शहर में, सिनेमा में। तीसरा है, खेतों के रखवाले कहा गया है। किनको कहा गया है खेतों के रखवाले? चौकीदार को, मजदूर को या किसान को? ये कुछ अर्थ है, शब्दों के अर्थ है जो आप लिखे। भोर का क्या होगा? बाड़ी, ठौर ठौर और खेतों के रखवाले। एक उस प्रश्न है जिनका आप उत्तर लिखें और याद करें। पहला प्रश्न है, फूलों पर कौन मडराता रहता है? दूसरा है, मोर गांव में क्या कर रहे हैं? तीसरा है, खेतों के रखवाले कहाँ जा रहे हैं? कुछ और दो दो पर्यायवाची शब्द भी दी हूँ लिखने के लिए। उनका पहला का है फूल, इनके दो पर्यायवाची शब्द लिखे, और भोर है, इनके दो पर्यायवाची शब्द लिखे। अगले वीडियो में मैं इनका आंसर या उत्तर भी बताऊंगी। आपके लिए इतना धन्यवाद।